हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल माय न्यू फ्रेंड्स, दिस इज मी माहम हियर। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी पोस्ट वैक्स केयर, यानी कि वैक्सिंग के बाद वाली केयर। बहुत सारी गर्ल्स का एक कॉमन इशू होता है कि वैक्सिंग या थ्रेडिंग करवाने के बाद या तो स्मॉल बम्स बन जाते हैं या पिंपल्स बन जाते हैं या फिर स्किन बर्न हो जाती है और रैशेज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि कैसे आपने वैक्सिंग से पहले और उसके बाद जो स्किन की केयर करनी है ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। और इस वीडियो में मैं आपको मेडिकेशन भी बताऊँगी इसके लिए और इसके साथ साथ दो रेमिडीज जो है वो बताऊँगी। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक आपने लाजमी देखना है। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अब जो है हम अपनी वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई यू गेट पिंपल्स आफ्टर वैक्सिंग और थ्रेडिंग, ठीक हो गया? उसके लिए मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई, आई होप कि आपको उससे इजीली समझ आ जाएगी बात। स्किन बनाई है इस तरीके से, ठीक है? ये स्किन है, ठीक है? ये उसकी सरफेस है, स्किन की सरफेस, ठीक है? और ये हेयर, ठीक है? और जब हम हेयर रिमूव करते हैं, लाइक वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं या ट्वीजर से उसे निकालते हैं हेयर को, तो बाल जो है बिल्कुल रूट से निकलते हैं, ठीक है? और फिर क्या हो जाता है कि जब बाल निकल जाता है तो वहाँ से जो पोर्स हैं हमारे वो ओपन हो जाते हैं बाल निकलने के बाद, ठीक है? तो जब पोर्स ओपन हो जाते हैं तो सरफेस पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो फिर पोर में एंटर हो जाते हैं। पोर्स में जब वो एंटर हो जाते हैं तो फिर इसकी वजह से जो है पिंपल्स बनते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं वैक्सीन से पहले और बाद में क्या स्किन केयर करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीन से पहले आपने कैसे केयर करनी है। मेक श्योर कि आप जब भी वैक्सिंग या थ्रेडिंग के लिए जाएं या खुद भी अगर घर पे करते हैं तो करें, तो उससे पहले जो है अपना जो फेस है और बॉडी जो बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लें, लाइक से डिसइंफेक्ट कर लें, फेस वॉश है जितना फेस वॉश करें और बॉडी वॉश से जो है बॉडी को वॉश करें। और मेक श्योर कि आपके फेस पे कोई भी मेकअप वगैरह जो है वो ना लगा हो। और वैक्सिंग करवाने के बाद और थ्रेडिंग करवाने के बाद फिर से आपने जो है अपनी बॉडी को वॉश करना है या पानी से अच्छे से उसे साफ कर लेना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको पिंपल्स वगैरह या स्मॉल बम्स या कुछ भी ऐसा इशू जो है वो नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको स्मॉल बम्स जो है वो बन जाते हैं या पिंपल वगैरह बन जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन जो है वो बताती हूँ जो मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था काफ़ी टाइम पहले, लाइक आई थिंक 5 to 6 years पहले, और ये तब से अब तक मैं यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत बेस्ट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसका नेम है डेलेसिन टी लोशन क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। इसकी फॉर्मेशन क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट आपको और भी बहुत से मिल जाएंगे इस फॉर्मेशन में, जो और भी जो ट्यूब्स वगैरह या फिर लोशन वगैरह, लेकिन आपने सिर्फ डेलेसिन टी जो है यही लेना है, ठीक है? क्योंकि मैंने और भी ट्राई करके देखे हैं, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था, मुझे उसका नेम भी नहीं याद, लेकिन ये डेलेसिन टी जो है ये 5 to 6 years से मैं यूज़ कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, इससे पिंपल्स जो हैं आपके यूँ गायब हो जाते हैं, लाइक छोटे छोटे बम्स जो हैं स्पेशली उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और जिनकी ज़्यादा सारी एक्नी है उसको तो ये काफ़ी टाइम लेगा ठीक करने में, लेकिन फॉर स्मॉल बम्स इट्स वेरी गुड। और अब बात कर लेते हैं कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है वैक्सिंग से पहले, ठीक है? और बाद में वैक्सिंग से पहले आप इसे थोड़ा सा जो है लोशन लाइक 3 to 4 drops लेकर जो है अपने फेस पे लगा दें, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके पिंपल्स बन जाते हैं, मोस्टली जो है फेस पे ही पिंपल्स बनते हैं या फिर बाजू पे बन जाते हैं या फिर बैक पे बन जाते हैं, तो उधर उधर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर आप वैक्सिंग जब करवा लेते हैं उसके बाद फिर से बॉडी को अच्छे से साफ करके देन आप फिर से इसको लगाएं, मैं कहती हूँ बिल्कुल भी आपको पिंपल्स जो किसी को बनते भी होंगे तो ट्रस्ट मी ट्राई करके देखें, आपके पिंपल्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बेसिकली ये एक एंटीबैक्टीरियल मेडिकेटेड लोशन है जो आपके स्किन की सरफेस पर जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको किल करता है और आपको जो स्किन पे जो पिंपल्स वगैरह बनने से जो है उसे रोकता है। और इसकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, 250 rupees का ये है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। जब मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था तब ये 100 rupees का था और अभी 250 का हो चुका है। एंड फॉर इंटीमेट पार्ट्स आई विल सजेस्ट दिस प्रोवेट जी क्रीम, बर्निंग स्वेलोइंग या फिर रैशेज हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स में इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट इस तरह यूज़ करने में, तो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर भी जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है इस क्रीम को आपने वैक्सिंग के बाद जो है लगा लेना, ठीक है? ये कुछ इस तरह की है क्रीम, और ये वाला जो है ये लोशन है, लाइक ये तो मैं डेली बेसिस पर इतना यूज़ करती हूँ, लाइक जहाँ मेरे पिंपल मुझे फील होता है मैं उधर लगा लेती हूँ, और ये बहुत इफेक्टिव है उसके लिए। और अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की, उनके लिए जो लोग ये प्रोडक्ट जो है वो यूज़ नहीं करना चाहते। ये तो सबसे पहले रेमेडी ये है कि आपने वैक्सिंग करवाने के बाद आइस क्यूब्स लेने हैं और अच्छे से 2 to 3 minutes लगातार जो है आइसिंग करनी है,
ठीक हो गया ताकि पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएँ। और सेकंड ये कि आपने एलोवेरा जेल लेनी है, ठीक है, आप बेशक फ्रेश भी ले सकते हैं, अगर मार्केट वाला लेना है एलोवेरा जो भी आपको सूट करता है आप वो ले लें, ठीक है। आप एलोवेरा जेल जो है वैक्सिंग के बाद वो लगाएं, ताकि उससे क्या होगा कि वो आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा और डर्ट और जो ऑयल है वो भी उसको भी जो है वो रिमूव करेगा, और उसके साथ साथ आपके जो रेडनेस हुई होगी उसकी वजह से, वैक्सिंग की वजह से, थ्रेडिंग की वजह से, उसको भी वो रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएगा। यस जी गाइस, तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, नहीं भी अच्छी लगी तो आपने ट्राई करना है, आपको ज़रूर अच्छी लग जाएगी, क्योंकि जब आपको रिजल्ट मिलेंगे आप वापस आके आप कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आई नो मैं ये करती हूँ और बहुत टाइम से कर रही हूँ तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप लोगों ने भी ट्राई करके अपना फीडबैक जो है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जाएँ, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।